तो so, अभी तक हम लोगों ने फोकसिंग सिस्टम के बारे में बहुत बात की है अब हम बात करेंगे लाइटिंग के ऊपर लाइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर फोटोग्राफर्स एज वेल एज़ फॉर सिनेमाटोग्राफर्स सो सभी लोगों को हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है एंड आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है अगर आप ये सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं सीख रहे हैं तो फिर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए शेयर करना चाहिए ये सारे लोगों के साथ जिनको भी फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी में रस है और अगर आप चाहते हो कि एक डिटेल में फोटोग्राफी सीखना चाहो तो फिर हमारा एक फोटोग्राफी कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही किफ़ायती दाम में हम लोग ने वो कोर्स को रखा है ऑनलाइन कोर्स है तो आप कहीं पर भी हो आप उसका लुफ्त ले सकते हो जैसे ही मैंने बात की लाइटिंग के ऊपर आज हमारा जो ये टॉपिक है आपने टाइटल तो देखा ही होगा कि हम जो है आज लाइटिंग के बारे में बात करेंगे तो जब भी हम लोग फोटोग्राफी की बात करें तो पहला टॉपिक हम लोग का लाइटिंग रहता है जिसके ऊपर मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है अभी जो है हम लोग इसका थोड़ा सा हायर वर्जन पे जाएंगे धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ेंगे लाइट जब आप बात करें तो फोटोग्राफी में फ़ोटो का मतलब ही लाइट होता है विदाउट लाइट फोटोग्राफी इज नॉट पॉसिबल सिनेमाटोग्राफी में भी अगर लाइट नहीं है तो क्या सिनेमाटोग्राफी करें? कुछ देख ही नहीं पा रहे हो तो कैसे कुछ काम कर पाओगे okay? तो कोई भी सिचुएशन में आप लाइट का एंगल कहाँ पे लाइट है कौन सा लाइट है कैसा लाइट है लाइट का कलर क्या है ठीक है ये सारी चीज़ें जो है बहुत मैटर करती है आपके सीन के ऊपर ठीक है आज हम लोग बात करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइट के बारे में एक होता है क्वांटिटी ऑफ लाइट ठीक है क्वांटिटी ऑफ लाइट है कि बहुत सारा लाइट आप चेहरे के ऊपर डाल रहे हो या बहुत कम लाइट आप चेहरे के ऊपर डाल रहे हो जिसके हिसाब से आपका कैमरा का एक्सपोजर डिसाइड होता है मतलब एपेचर शटर आयस हो ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो जिससे आपका फोटो परफेक्ट आए ये होता है क्वान्टिटी ऑफ लाइट राइट आज हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइट के बारे में पहली चीज़ होती है कि जब आप सूरज की किरणें देखते हो चेहरे के ऊपर आ रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है जो ये धूप है वो एक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट का पैच क्रिएट करती है एक साइड के चेहरे के ऊपर और दूसरी साइड ये शेडोज़ क्रिएट कर रही है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस लगता है ये जब आप देखते हो इसे कहा जाता है हार्ड लाइट ठीक है अगर आप एक पोटालाइट लेते हो और पोटालाइट के ऊपर से कुछ भी नहीं है डायरेक्टली चेहरे के ऊपर डालोगे फिर भी ये हार्ड लाइट क्रिएट करता है एक साइड बहुत ज़्यादा शेडो हो गए दूसरी साइड बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स गए और बीच में मिड टोन्स होंगे तो ये कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस जब आपको कैप्चर करनी होती है क्रिएटिवली कैप्चर कर रहे हो या यू नो आपको ऐसी इमेजेस आ रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट लग रहा है लाइट के वजह से उसको हम लोग कहते हैं हार्ड लाइट हार्ड लाइट में हाई है शेडोज है और मिड्स है दूसरा जो हमारा लाइटिंग सिचुएशन होता है वो होता है सॉफ्ट लाइट मतलब जब भी आप जो है सुबह जब चलने जाते हो और चलते चलते आप देखते हो कि बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी वेदर है जो जो सूरज है वो सूरज एकदम ही हल्का सा लग रहा है मतलब बहुत ही सॉफ्ट लाइट लग रहा है इससे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट लाइट जब भी आप चेहरे के ऊपर हाइलाइट्स और शेडोज़ में भी एकदम जो सॉफ्टनेस देखते हो जो ग्रेडेशन देखते हो जहाँ पे हाइलाइट्स बहुत पैची नहीं होते हैं शेडोज़ बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं होते और मिड टोन्स विक में भी आपको काफ़ी ग्रेडेशन देखने को मिलता है वो होता है आपका सॉफ्ट लाइटिंग सिचुएशन तो ये जो ग्रेडियन है वो कब आता है जब लाइट के आगे जो है है एक डिफ्यूजिंग लग जाता है. चाहे वो सूरज के आगे क्लाउड्स हो या फिर पोटालाइट के आगे एक डिफ्यूजर लाइट हो जो हम लोग सॉफ्ट बॉक्स यूज करते हैं अलग अलग जो सॉफ्ट बॉक्स ऑक्टा बॉक्स अम्ब्रेलाज ये सारी चीजें एक डिफ्यूजिंग मटीरियल ही है तो अलग अलग शेप और साइज के आजकल डिफ्यूजिंग मटीरियल मार्केट में मिलते हैं जिसकी वजह से आप हर प्रकार से लाइट को शेप करते हो कभी आपको जो चाहिए कि भाई ऑक्टा में बहुत ज़्यादा लाइट जो है स्प्रेड हो कभी आपको चाहिए कि स्नूट लगा के मैं थोड़ा सा ही उसको स्प्रेड करूँ कभी आपको चाहिए कि मैं स्ट्रिप बॉक्स लगा के पूरे बॉडी पे जो है उसको स्प्रेड करूँ तो ये अलग अलग आपको, आपको, आपको मार्केट में मिलते हैं सॉफ्ट बॉक्स और सॉफ्टनर्स जो डिफ्यूजर्स है वो सारी चीज़ें जो आप आपके लाइट के आगे लगा के उसका हार्ड लाइट का सॉफ्ट लाइट कर देते हो तो ये सॉफ्ट लाइट अच्छा है या हार्ड लाइट अच्छा है तो देखिए अगर आपका एक ऐसा फोटोशूट है जहाँ पे जो है आपको एक आ, लड़की की ब्यूटी दिखानी है उसकी सॉफ्टनेस दिखानी है या फिर आपको चाहिए कि चेहरे के ऊपर जो है एक काफी अच्छा जो है राउंडनेस आए एक जो है डेप्थ आए पर जो है एकदम ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस ना हो बहुत ही सॉफ्ट इमेजेस हो तब आप जो है सॉफ्ट लुक प्रेफर करते हो एट्टी परसेंट ऑफ़ द टाइम्स लोग जो है सॉफ्ट फोटोग्राफी ही करते हैं सॉफ्ट लाइटिंग में ही फ़ोटोग्राफी करते हैं चाहे आप जब ब्राइडल शूट करते हो आप ऐसा हार्ड लाइट वाले फ़ोटोज़ उनको अगर उनको दोगे तो उनको यही लगेगा कि यार एक साइड बहुत डार्क है एक साइड बहुत ब्राइट है और चाहिए उतनी मैं उसमें सुंदर नहीं दिख रही हूँ रीज़न बींग जब आप सुंदरता किसी की दिखाना चाहते हो तब जो है हम यूजली सॉफ्ट लाइट का ही इस्तेमाल करते हैं इंसान ज़्यादा नेचुरल लगता है इंसान ज़्यादा अच्छा लगता है आप भी देखोगे जब आप दोपहर की लाइटिंग में बाहर जाओगे शायद आपको दोपहर इतना अच्छा ना लगे पर सुबह की अर्ली मॉर्निंग में आप जो है ज़्यादा खुश होते हो यूजुअली ये एक साइकोलॉजी रहता है जब भी आपको व्यूविंग भी देखते हो तो आपको सॉफ्ट लाइट में देखना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू लाइट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट आपको कभी यूज ही नहीं करनी है सॉफ्ट लाइट आप ब्राइडल पोर्ट्रेट्स में शादी के मंडप के अंदर भी अम्ब्रेला लगा के काम करिए या फिर संगीत के इवेंट के वहाँ पर भी आप जो है अम्ब्रेला या सॉफ्ट बॉक्सेस लगाइए पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो वहाँ पर भी आप ये सॉफ्ट बॉक्सेस अम्ब्रेला सब लगाइए और पोर्ट्रेट्स कैप्चर करें पर जैसे ही मैं कहूँ कि हार्डलाइट कब कैप्चर करना है तो हार्डलाइट को कैप्चर करने के लिए आप जो है अगर आप क्रिएटिवली कुछ काम करना चाहते हो जैसे कपल का कोई ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग इमेज लेना चाहते हो या फिर यू you नो know, कुछ ऐसा थोड़ा ईगो या एटीट्यूड वाले फ़ोटोज़ लेना चाहते हो जो काफ़ी नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है आप हार्ड लाइट में कर पाते हो आपको चाहिए कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट लेने हैं या फिर जो है एक ही जगह पर आपको लाइट का इफेक्ट चाहिए और हर जगह पर जो है डार्कनेस uh, मतलब एक लो की शॉट चाहिए लो की शॉट का मतलब है एक जगह पर लाइट एंड दूसरी जगह पर सब कुछ डार्क हो ऐसे सारे जो इंटरेस्टिंग कुछ नया इफेक्ट वाला कुछ न नया देखिए ब्राइड को सिर्फ सभी सॉफ्ट लाइट के फ़ोटोज़ नहीं होते अगर आप उसमें थोड़ा सा हार्ड लाइट वाले भी फोटोज़ कैप्चर करोगे कुछ नया और इंटरेस्टिंग लगता है ये सभी चीज़ें भी आपको हार्ड लाइट से कवर करनी चाहिए उसको भी दिखाने का एक तरीका होता है यूजअली फोटोग्राफर्स का ये होता है कि जब भी वो हार्ड लाइट देखते हैं वो जो है ऐसा बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर कैप्चर ही नहीं करना जहाँ चलो सॉफ्ट लाइट में कैप्चर करते हैं सॉफ्ट लाइट में कैप्चर करिए पर कभी कभी हार्ड लाइट को भी बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से आप उसको शूट कर सकते हो तो कहने का मेरा ये है कि हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट दोनों क्वालिटी ऑफ लाइट है कोई भी सही या गलत ऐसा नहीं होता हाँ यूजुअली सॉफ्ट लाइट ज़्यादा पसंद आती है लोगों को सॉफ्ट बॉक्सेस फ्यूज़र्स ये सारी चीज़ें लोग इसीलिए ख़रीदते हैं पर आप हार्ड लाइट को भी अगर कंट्रोल से काम करते हो उसके ऊपर तो आप बहुत अच्छा खासा जो है शूट कर पाओ तो अलग अलग टाइप के इंटरेस्टिंग शॉट ले पाओगे यहाँ तक कि आपको अगर कोई लाइट ट्रैवल का शॉट वीडियो में लेना है वो भी हार्ड लाइट में ही होता है जो काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग लोगों को लगता है जब वो ऐसा लगता है जैसे ग्लैमर शूट है कुछ एटीट्यूड वाला शूट है कुछ यू नो इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रास्टिंग है ये सारी चीज़ें जो है आप हार्ड uh, लाइट से कैप्चर करें सो so, ये क्रिएटिव यूसेज जो है लाइट का क्वान्टिटी ऑफ लाइट का ये आपको सॉफ्ट लाइट और हार्ड लाइट के साथ खेलने के हिसाब से बनती जाती है सॉफ्ट लाइट के ऊपर कौन से डिफ्यूज़र्स लगते हैं और हार्ड लाइट के लिए भी शेपर्स आते हैं अगर आप एक स्नूट यूज़ करते हो तो स्नूट में भी आप जो है शेप यूज़ करते हो कभी कभी ग्रिड्स आती है तो अलग अलग ग्रिड्स से आप जो है उसका काम कर सकते हो गोबो इफ़ेक्ट ट्राई कर सकते हो ये सभी हार्ड लाइट के इफ़ेक्ट्स हैं अगर आप जो है डिफ्यूजिंग मटीरियल यूज़ कर रहे हो सॉफ्ट लाइट के लिए तो उसके लिए जो है आपको अलग अलग जैसे ऑक्टाबॉक्स हुआ तो कभी भी आप ब्यूटी लाइट क्रिएट कर सकते हो कभी आपने स्प्लिट लाइटिंग शूट कर ली तो कभी आपने जो है एक सॉफ्ट कट लाइट दे दी तो ये सारी चीज़ें जो है आप सॉफ़्ट लाइटिंग के डिफ्यूज़र के साथ कर सकते हो तो ये सब कुछ जो है बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस में आप काम करिए और दोनों को जो है आप जो है अपनी फोटोग्राफी में इन्वॉल्व करें जिससे जो है आपको हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट ये दोनों क्वान्टिटी ऑफ लाइट्स से काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जनरेट हो सकते हैं अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और आप और फोटोग्राफी में आगे आना चाहते हैं सिनेमाटोग्राफी सीखना चाहते हैं मेक श्योर करें कि आप लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को नेक्स्ट सेशन के लिए आप रेडी रहेगा क्योंकि हम और भी लाइटिंग के लिए डेप्थ में जाने वाले हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच सी यू सोन